इसको कहते हैं रियल सेंस में सर्वाइवल ऑफ द फीटस। ये देखिए, ये पूरा, ये देखिए, ये पूरा घना जंगल है, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पर जा कर के विक्रम को ये पानी का सोर मिला, और देखिए पानी कैसे साफ़ होता है। पहले विक्रम ने उसको खोदा, खोदने के बाद 6 इंच 6 से 7 इंच, अब देखिए कैसे उसमें पानी फ्लो कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, और ये क्लीन वाटर हो जाएगा धीरे धीरे। और ये जो पत्ता देख रहे हैं, इसी पत्ते में हम लोग ये पानी निकालेंगे और पियेंगे। तपती हुई दोपहरिया, झुलसते पेड़ और पथरीले रास्तों से होते हुए जमुई के इस बिहड़ जंगल में एक बार फिर हम नक्सलियों के इलाके में जा रहे हैं, जहां हम शैलाश्रय की खोज करेंगे, जो कभी आदि मानवों के रहने की जगह हुआ करती थी। ये शैलाश्रय इन जंगलों में छिपे हुए कई रहस्यों का साक्षी है, जो हजारों साल पहले हमारे आदि मानव अपने पीछे छोड़ गए। कई वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह इलाका छोटा नागपुर प्लेटो के विंध्य रेंज का एक भाग है और सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है day 3 और आज का दिन सुबह 4:30 बजे से शुरू होता है। काश यही ठंडक रहे। चापाकल पे आप लोग गए तो मैं नहीं गई। ओके दोस्तों, तो हम लोग जतर पहुंच गए हैं। ये वही जगह है जहां पर हम कल लौटे थे, और ओ गॉड, फिर हमें चढ़ना है इस तरफ से। day 3 भी एक्साइटिंग रहेगा। वैसे पहाड़ के लिए तो हमारा day 2 है। अगेन हम 3 idiots, दिव्या, अदिति, नंदन हियर, और यंग, आपका नाम क्या है? नाम सुभाष। और आपका? चिंता देवी। चिंता क्यों करती हैं आप? चिंता देवी है इनका नाम। ये वासुदेव जी है, और ये और एक आ रहा है, जल्दी आ। और तुम्हारा नाम क्या है? रवि रोशन। ये अपने साथ है, तो चलते हैं। चलो, तो हमारी टीम तैयार हो चुकी है। अभी हम लोग कुल मिला करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और भी है। आज 10 लोगों की टीम है। मुझे थोड़ा स्ट्रेंथ महसूस हो रहा है कि अब मेरे सामान को भी डिवाइड कर दिया है, किसी को बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है, और हम होपफुली आज 12 बजे से पहले उतर जाएं, ऐसी हमारी कोशिश है। लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि अगर 12 से ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन दिस एक्सपीडिशन ऑफ रॉक पेंटिंग व्लॉग। आज शेरू के साथ उसका दोस्त भी चल रहा है लगता है। ओके दोस्तों, जथर गांव में हम जस्ट थोड़े से आगे निकलते हैं कि हमें और एक रॉक शेल्टर दिखाई देता है, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर हमें एक रॉक शेल्टर में दिखाई दिए हैं कुछ रॉक पेंटिंग्स, और यहाँ पर 3 different स्टाइल में हैं, तो हम उसको थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर लाइंस हैं, और जो ऊपर है वो कुछ ह्यूमन फिगर है या समथिंग, ऐसे कुछ तो है। एक बड़े पेड़ की छांव के नीचे सेमी ओवल शेप का यह शैलाश्रय मिला है, जिसमें बहुत सारे शैल चित्र बने हैं। ये एक बहुत बड़ा खजाना है जो आज हमें मोटिवेट करने के लिए काफी है। इन शैल चित्रों में मुझे एक बड़ा चक्र मिला जो बुद्धिस्ट चक्र की तरह दिखता है। कुछ का आकार ज्यामितीय है और कुछ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं।
हाँ। अरे यार, पहाड़ों की तलहटियों में बसे गांव आदिवासियों के हैं, जिसमें ज्यादातर संथाली, खरवास या घटवास हैं, जिनकी जीवन शैली को देखकर हम शैल चित्रों के बहुत सारे संकेतों को समझ सकते हैं। कुछ आदिवासी तो आज भी शिकार करके अपना पेट पालते हैं। वे तीर, धनुष और कुत्तों के साथ इन जंगलों में शिकार करने जाते हैं। पेट दिखाई नहीं दे रहा, बहुत दूर है जहाँ पे हमने रॉक शेल्टर देखा था, वहाँ से चलते हुए हमारे करीबन अभी हम लोग 4 किलोमीटर कवर किए होंगे अप्रॉक्स। ओके, द मोस्ट एक्सपेंसिव बेर, इसे पीर बोलते हैं और बहुत टेस्टी होता है। वाओ, थोड़ी चढ़ाई थोड़ा उतरना। और बेर मिल गए, उठा रहे बेर। बेर वैसे जब बारिश होती है तो हम जहाँ से अभी फिलहाल चल रहे हैं वहाँ से चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा पानी बहता होगा। लेकिन दिखता अच्छा होगा ना, पानी बहता होगा तब फिर चढ़ना है। तो थोड़ी दूर, अब थोड़े थोड़े लंबे लंबे पेड़ हैं, पेड़ नहीं है पता नहीं क्या है। एक रॉक शेल्टर यहाँ है। लगभग 2 घंटे का रास्ता तय करते हुए हम गिद्धेश्वर गंभीरा हिल टॉप पर पहुंच गए, जहां हमें एक साथ कई शैलाश्रय देखने को मिले जिसमें शैल चित्र बने हुए हैं, जिसमें ज्यादातर ज्यामितीय आकार वाले हैं, कुछ आरी तिरछी रेखाएं और कुछ कॉम्प्लेक्स पैटर्न के हैं। रॉक का फॉर्मेशन कुछ ऐसा है। यहाँ पे कुछ ऐसी इमेज है, रेक्टेंगुलर लाइंस हैं, ज्योमेट्रिक लाइंस हैं ये सारी। और यहाँ पर पता नहीं ये कौन सा ह्यूमन फिगर है क्या। इस इलाके में ज्यादातर शैल चित्र प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक हैं। प्री हिस्टोरिक का साधारण मतलब होता है जिसकी इतिहास के बारे में पहले कुछ लिखा नहीं गया हो, और हिस्टोरिक उसे कहते हैं जिसके इतिहास के बारे में साक्ष्य के आधार पर लिखा गया हो। जैसे कि पिछले भाग में मैंने बताया कि जम्मू के इन जंगलों में नक्सल गतिविधियां होती रही हैं, जिसके कारण इन जंगल में कोई जाना नहीं चाहता। कल के दिन तो हालत खराब थी, लेकिन आज के दिन हम लोग थोड़ा सा प्रबंध करके आए हैं, फ्रूट वूट लेकर के आए हैं। मैं केला खा रही हूँ, या थैंक्स टू, या और इनके सहारे हम जो है जल्दी पहुँच गए थे, और आज जल्दी हमें बहुत सारे रॉक पेंटिंग्स दिखाई भी दिए हैं। और इनकी वाइफ, क्या नाम आपने बोला था, चिंता देवी, अरे आपका इनका नाम चेंज करो, चिंता, इनका नाम चिंता देवी का है रख दिया आपने, पूरे घर की चिंता कर रही है। ओके, यहाँ काटा है, डंडा ले लो,
ओ मेरा डंडा, थैंक यू। अब चले और एक रॉक शेल्टर की ओर। इस एडवेंचर में मजा आ रहा है ना दोस्तों? सूरज तू अपना पावर हम पे थोड़ी देर बाद दिखाना, थोड़ी सी हवा कहीं से आ जाए। अभी हम लोग हिल के एकदम टॉप पर हैं और आई होप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा छांव आते रहे। वैसे जहाँ पे शेल्टर होते हैं वो बहुत अच्छा, वहाँ पर ठंडक मिलती है, लेकिन बनिस्पत कि लू ना चल रही हो। प्यास है, धूप है, मुंह सूखते जाता है, पानी की तलब लगते जाती है, लेकिन इस एडवेंचर का मज़ा कुछ और ही है। है ना? फिर ऊपर चढ़ना है दूसरी पहाड़ी पर। ये रहा और एक रॉक शेल्टर। इज दिस द वन? ये बहुत बड़ा रॉक शेल्टर है। थोड़ी देर यहाँ बैठ जाए फिर आपको दिखाते हैं। मम्मी का फिर भी तकलीफ हो गया है, हम लोग भी खाना कमाने वाला कमाते हैं, चावल ला के। मवेशी के कुछ नहीं था, यही पात पल्हा तोड़ के जंगल से ले जाते। अच्छा, खिला के ओ इसलिए चले आते हैं जंगल सवेरे सवेरे। उतना बीड़ी पत्ता तोड़ लेगी तो अपना ये पल्हा लेगी। तो हम लोग अभी जिस रॉक शेल्टर पर हैं उसे कहते हैं तसलार। तसलार जगह पर है और यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा 5-story रॉक शेल्टर है। ये कुछ लिजर्ड टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे कुछ कर्वी लाइंस है, ये ज़िगज़ैग है, सेमी सर्कल टाइप्स है, नीचे यू शेप में कुछ है, इधर दो लाइन है। ये रॉक कुछ ऐसा है। ज्यादातर शैलाश्रय उस स्थान पर मिले हैं जहां पानी, खाना और सुरक्षा हो। जैसे शरीर को झुलसा देने वाली इस दोपहरिया में भी ये शैलाश्रय रहने लायक है। वहां पे भी है। कहाँ? यहाँ कहाँ? यहीं पे भी है। पूरा जो रॉक शेल्टर है इसमें भी रॉक पेंटिंग है। ये देखिए किस तरीके का फॉर्मेशन है। यहाँ पर पत्थर से लिपि भी लिखी हुई है, वैसे विजिबल नहीं हो रही है। फिर हम लोग रुक कर रहे हैं पानी की ओर। अपनों के बीच ओके गाइस, अब यहाँ पर जंगल में मंगल हो रहा है और हम सत्तू बना रहे हैं। नींबू घोरा है मैंने, लेकिन आज मंगलवार नहीं है, बुध है ना आज, तो बृहस्पति वाला होगा। और सत्तू उसमें है। फिर यहाँ से कूच कर रहे हैं हम लोग और एक और रॉक शेल्टर की ओर। कल हम लोग मिस कर गए थे उसे।
ये हम लोग ऑलमोस्ट 800 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं और यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं मिला है। लगातार एक्सप्लोरेशन हम लोग कर रहे हैं। लाइक वहाँ पे कुछ लोग गए हैं देखने के लिए। Well, दोस्तों अभी रॉक शेल्टर की आगे और तलाश करने में निकले हुए हम लोग, लेकिन दो तीन जगह अनफॉर्चुनेटली नहीं स्पॉट हो पाई है। चेक करने गया है वहाँ पर कि अगर इन केस मिल जाए। Well, दोस्तों कोशिश जारी है। वहाँ पे ऊपर कुछ लोग गए हैं देखने के लिए कि अगर हमें स्पॉट हो जाए कुछ और रॉक शेल्टर्स जहाँ पर हम रॉक पेंटिंग देख पाएँ, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हो पाया है। पूरा का पूरा हम वहाँ से लेकर के यहाँ तक पहाड़ आ चुके हैं। अब अगर नहीं मिलेगा तो लौटना होगा क्योंकि 12 बज चुके हैं और सर पर धूप सवार हो चुकी है। जहाँ तहाँ हमें छांव मिल रहा है हम वहाँ पे बैठ जा रहे हैं, बैठ के जा रहे हैं क्योंकि सारे के सारे पत्थर गर्म हो चुके हैं। थोड़ा बहुत हम छांव ले रहे हैं और बेचारा शेरू जो है उसको घाव हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक के साथ घूम रहा है। नीचे पानी ना फील करे ना, वो तो गड़ गई ना। हां पानी ना फील करे। अब लौट रहे हैं। इलेक्ट्रोल पीने के बाद और प्यास लग गई। बस अब थोड़ी दूर मतलब अप्रोक्सीमेट 5 किलोमीटर और। वो ऐड देखिए ना, बुक 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 ले लेता है सर के ऊपर से। एक मेरा पूरा का पूरा बदन जल रहा है। हाँ तो सबका तो नहीं, तो आग फेंके हुए कि पेड़ कुछ दिन में जल जाएगा मेरे घर में। चले थे घर आ चुका है। अब इतनी दूर भी चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बढ़िया, वी आर क्लोजिंग दिस डे फ्रॉम ये है आज का नया ट्विस्ट हम लोगों का, जमुई में दम बिरयानी हैदराबादी विथ लॉन्ग ट्विस्ट। मैं तो सिंपल पुलाव खा रही हूँ। मैं माथा गर्म हो चुका है तो मेरे लिए सिर्फ ठंडा होना ही जरूरी है। पहले रायता है और पुलाव है। तो ईख का रस नहीं पी रही हैं? हाँ, वो एक रह गया। न्यू फीचर एडेड इनटू हैदराबादी बिरयानी, लेट्स सी व्हाट इज देयर इनसाइड। सो इफ यू सी देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। This side it is. No, it is. It is actually chicken inside. नए जगह की तलाश शुरू हो चुकी है हमारी, और आज जो है वैशाली की तबीयत खराब होने की वजह से
वो आ नहीं पाई हैं। सो वीडियो का थोड़ा सा कार्यभार मैं संभाल रहा हूँ फोटोग्राफी से अलग हट करके। और अभी हम लोग हदहदवा जा रहे हैं, नाम सुनते ही बहुत ख़तरनाक सा फील हो रहा है हदहदवा, क्योंकि बिहार में जो है ना दिल हदहद करने लगता है डर से तब उसको बोलते हैं। तो ये जो है हम लोग हदहदवा में जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट शेल्टर है शायद, अब देखते हैं वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि कितना अच्छा सा पेंटिंग है और क्या मिलता है, वो तो जाने के बाद हम लोग रिवील करेंगे। तब तक आज हमारे साथ जो हैं सुभाष जी हैं, लास्ट टाइम जो गया था रोशन है, और एक छोटा सा बच्चा भी आज चल रहा है साथ में। तो कुल मिलाकर के जो ये टीम है वो 6 लोगों की टीम है, तो निकली है एक्सप्लोरेशन पे। साथ में हमारे वासुदेव जी जो हैं फर्स्ट डे से एकदम लगे हैं, अब आज के एक्सप्लोरेशन के बाद वासुदेव जी का के ऊपर ठिकरा रहेगा कि भाई जो है आप अगला भी ढूंढ करके रखिए कम से कम, कि जमुई पूरा कम से कम कर लिया जाए। हदहदवा में खोज चालू है और यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता नहीं है कि कहाँ पर है। अब ये सारे शेल्टर्स हैं यहाँ पे और पूरा हम लोगों ने छान मारा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। डेंस जंगल है, यहाँ से गुजरना भी बहुत मुश्किल है, और अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे हमारा पॉइंट है। तो देखते हैं, एक्चुअली अगर आप देखेंगे फ्रंट कैमरे से तो मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरीके का है। और हम देख रहे हो कि बिल्कुल भी यहाँ से चलने का नहीं है, बिल्कुल कांटेदार सिर्फ चारों तरफ झाड़ियाँ हैं। इधर जो है ये जो है ना ये शेल्टर्स हैं, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। आई थिंक हमारा आज का जो एक्सपेडिशन है वो अनसक्सेसफुल होने वाला है, बिकॉज एरिया बड़ा है और आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली हमारा शेल्टर कहाँ पे है, और ये बड़ा टफ है ढूंढना विदाउट जो है जानकारी के। और जिस लोकल को लेकर के हम लोग आए उनको भी पूरी तरीके से इसका ज्ञान नहीं, वो भूल चुके हैं। एक्चुअली बहुत पहले उन्होंने देखा था इन पहाड़ों में, देखिए ये भी शेल्टर से पूरा, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, होना तो चाहिए था। लगता है कि हमारा ये एक्सपेडिशन अंत अंत तक सक्सेसफुल होने वाला है, बिकॉज शायद मिला है एक। तो हम लोग ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अनसक्सेसफुल होता हुआ एक्सपेडिशन सक्सेसफुल हो रहा है, और इतनी ऊंची चढ़ाई के बाद जो यहाँ पे रिवील होने वाला है वो कुछ बेहतरीन है, आश्चर्यजनक है और अद्भुत है। ये देखिए अद्भुत, जैसा हम लोग सोच करके आए थे शायद उससे भी बेहतरीन है। ये पूरा रॉक पेंटिंग दिख रहा है, पूरा ये रॉक पेंटिंग्स है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है, वहाँ पे देखिए एक फैन टाइप का बना हुआ है, और बहुत सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी। तो दोस्तों वैशाली जी की गैर हाजिरी में ये काम आज मुझे करना पड़ रहा है, ऑल्दो मैं तो कैमरामैन हूँ जो फोटोग्राफी करता हूँ। तो लेकिन आपको मैंने दिखाया कि ये एक बेहतरीन रॉक शेल्टर है, और इसका नाम ये भी हदहदवा में ही आता है। ये क्या है? ओ, मतलब है समझ लीजिए कि जो हदहदवा का जो पॉइंट है उससे आपको इस साइड कौन साइड पड़ा है? हदहदवा के पॉइंट पर जब पहुंचते हैं तो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर पूर्व साइड में चलने के बाद आपको ये रॉक शेल्टर नजर आएगा, और वो भी बिल्कुल पीक के ऊपर में है। बिल्कुल देखिए,
लंदन पहुंच चुका है। देखिए इसका बनावट, ये देखिए विशाल है, काफी विशाल है। अब सोचिए कि आदि मानव जो हैं आज से 10,000 साल पहले किस तरीके से इस रॉक शेल्टर को खोजा होगा, उसने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया होगा, परिवार के लिए सुरक्षित महसूस किया होगा, और तब जाकर के उन्होंने यहाँ पे एक बसेरा बनाया होगा और तब जाकर के यहाँ पे कुछ पेंटिंगें बनी हैं। सो लिटरली क्लैप फॉर दोज आदि मानव। गजब का फाइंडिंग है लिटरली में जमुई में अब तक का बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस है। फाइनेस्ट है तो भी डिस्टिंग ये करता है कि इसमें जो पैटर्न्स है ना तो सारा मोस्टली ज्योमेट्रिकल है, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर है, और जो इमेजेस है मतलब ह्यूमन फिगरिंग से बनाने की कोशिश की गई है वो बहुत ही क्रूड फॉर्म में है, और कुछ जो है कॉम्प्लेक्स भी है, यानी ये लग रहा है कि इसमें कम से कम 2 एजेस के आसपास होगा। हाँ, क्योंकि ये सारा जो है ना रेक्टेंगुलर शेप में ही बहुत सारे इंटीग्रेट पैटर्न डिजाइन करने की कोशिश की गई है। और ऑलमोस्ट बताओ लंदन क्या क्या साइजेस हो सकता है इन लोगों का? साइज वेरी कर रहा है, सर्कुलर जो इमेज है जिसको चक्रव्यूह हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, उसका जो इंच होगा वो 3.5 इंचेस का है, लेकिन उसके नीचे जो डंटा लगा हुआ है वो करीब 6 इंचेस का है। तो टोटल वेट करीब करीब 10 से 11 इंच का है। जो बड़ा सर्कुलर जो बड़ा जो रेक्टेंगुलर पैटर्न है वो 14 से 18 इंच बाई 8 से 10 इंच का है, उसके बाद वाला 12 इंच और 8 इंच 7 इंच का है, उसके बाद एक छोटा वाला है जो 10 इंच और 6 इंच 7 इंच का है, उसके अंदर बहुत सारे डिजाइन हैं। और ये जो तुम्हारे सर के ऊपर जो ये जो दिख रहा है पैटर्न, ये तो ऑलमोस्ट हमको लगता है कि ये भी एक्चुअली 1.5 फीट से ऊपर का होगा, 1.5 फीट बाई 6 इंच। हाँ, ये जो है ये 7 इंच के आसपास होगा और ये करीब करीब 18-19 इंच का है। हाँ, और ये भी जो है ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट एंड विड्थ का होगा। देखिए ना इसमें एक ये बनाया हुआ है खास स्टाइल में, फैन टाइप का। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कुछ तलवार होता है ना चलाने वाला, हाँ, उस ढंग से बनाया हुआ है। हाँ, दो फॉर्म है और दोनों का जो लेंथ है वो करीब करीब जो है 14 इंच के आसपास बराबर है। हाँ, दोनों का। अब देखिए ये जो रेक्टेंगुलर पीस है ये करीब करीब 26-27 इंच का है वन साइड, उसके बाद मोटा मोटी ये 6 इंच का है उसी तरह, लेकिन ये ज्यादा इंट्रिकेट नहीं है, प्लेन स्ट्रेट लाइन से और कट से। इसको देखिए इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पीस है, ये है मात्र 3.5-4 इंच का, लेकिन लंबाई देखिए जिसका 22-24 इंच का है। सेम देखिए यहाँ पे ये पीस। हाँ, और इस ढंग का ही पीस यहाँ सबसे ज्यादा मिला है, एक रेक्टेंगुलर खींचा उसके बाद छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए गए हैं। अब वो किसी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म को फॉलो कर रहा है या पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो बताना जो है एक बार हम लोग जब रिसर्च करेंगे अगर एक्सपर्ट के साथ। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे ह्यूमन का ये ये और यहाँ पे देखिए ना यहाँ पे भी इंटीग्रेट है। मुद्दे की बात है वो ये है, ये देखिए पानी को किस तरीके से सेव किया जा रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पानी बर्बाद मत कीजिए, पानी बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, पानी जीवनदानी है। देखिए किस तरीके से हम लोग पी रहे हैं और इस समय टेम्परेचर ऑलमोस्ट 45 डिग्री होगा और आगे कम से कम 4 किलोमीटर तक कहीं कोई पानी का कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्या तीखा लग रहा है भाई? हाँ, तीखा लग रहा है। तीखा लग रहा है ऐसा पानी पीते जरा। वही है बहुत तीखा है। वी आर ट्राइंग टू टेस्ट दिस सिपर।